नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के 52वें दिन कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का पुतला फूंक, जताया रोष। विधायक पर मंत्री कमलेश डांडा से बातचीत में अड़ंगा डालने का आरोप लगाते हुए कहा, अब करेंगे विरोध। मंत्री को ज्ञापन देने पहुंची थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अब जिले के गाँव में विधायक के खिलाफ पर्चा बांट कर जताएंगी रोष। वहीं फरवरी माह में यादव के खिलाफ आयोजित की जाएगी महापंचायत। आंगनवाड़ी वर्कर की एक यूनियन द्वारा समर्थन वापस लेने के सवाल पर कहा, एक यूनियन द्वारा समर्थन वापस लेने को बताया कमजोरी, दूसरी यूनियन पर सरकार से मिली भगत का लगाया आरोप। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेवाड़ी के सुभाष पार्क में 52 दिन से है आंदोलनरत। अब देखें किस तरह से पुतला जलाकर जताया विरोध और क्या कहा। मैं तारा देवी, जिला रेवाड़ी की आंगनवाड़ी की प्रधान होने के नाते आपको बताना चाहती हूँ कि हमने 52 दिन होली अपने धरने पर बैठे, हमारे जो लोकल विधायक लक्ष्मण जी हैं उनके पास हम अपनी हिमायत लेकर गए थे, प्रशासन से परमिशन लेकर हम अपनी बाल विकास प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। वहाँ हमें जाकर उन्होंने बजाय हमारी हिमायतकरण के हमारी बात काटी। उससे हमारी बहनों में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि ये 52 दिन से धरने पर बैठी है, ये तो आप लोग भी देख लो, इतनी बारिश में ठंड में यहाँ बैठी है। तो उनके पास अपना कुछ लेकर गई थी तो उन्होंने बीच में टांग अड़ाई, उससे हमारी बहनों में बहुत ज़्यादा रोष है। जब तक वो अपनी बात की माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक हमारी बहनों का गुस्सा शांत नहीं होगा। 26 जनवरी को माननीय मंत्री महोदय हमारे यहाँ आई थी, श्रीमती कमलेश डांडा, और हमने प्रशासन से ये अपील की थी कि हमको हमारी वो मंत्री है उनको हम ज्ञापन देना चाहेंगे। प्रशासन ने हमारी अपील को गंभीरता से लिया और कमलेश डांडा से हमको टाइम दिलाया, और कमलेश डांडा ने कहा कि मैं आंगनबाड़ी डेलीगेट से बात करूंगी। तो हम ज्ञापन लेने के लिए गए रेस्ट हाउस के अंदर, तो हमने अपना ज्ञापन सबमिट किया और हमारी बातचीत उनके साथ चल रही थी, और बड़ी शालीनता के साथ मंत्री महोदय हमसे बातचीत कर रही थी एक एक मांग के ऊपर। तो मंत्री महोदय ने कहा कि आपका प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला था 29/12 को और आप लोग सहमत थे। मैंने कहा नहीं, वो प्रतिनिधि मंडल में हम नहीं थे। तो लक्ष्मण सिंह उठे और तेज आवाज़ में कहा कि इनका एक प्रतिनिधि मंडल था और ये मैडम होली इनसे बात। अब मैंने बड़े बहुत ही अपील ढंग से कहा कि आप लोकल विधायक हो, आपसे तो हमारी बातचीत यहाँ होती रहती है, आज तो हम मंत्री महोदय से मिलने के लिए आए हैं, आप हमारी बात इनसे होने दो। परंतु वो इस बात को भी नहीं माने और वो कुछ कुछ ऐसे रहे। तो मंत्री महोदय से फिर हमने कहा कि आप हमको चंडीगढ़ बुला लो, बोलो ठीक है, और मुख्यमंत्री को मैं आपका ज्ञापन दे दूंगी। हमें थी कि मंत्री महोदय जी शालीनता के साथ हमारी खड़ी होकर एक बात के ऊपर चर्चा कर रही है। हमने कहा कि आपने 1,00,000 रुपया और 50,000 रुपया वर्कर हेल्पर को रिटायरमेंट पर देने का योजना बनाई है, ये बहुत कम है। आप बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 3,00,000 रुपया है, तो 1,65,000 साल की नौकरी के बाद 1,00,000 रुपये का क्या औचित्य रहेगा जो 65 साल आपकी नौकरी करेगा महकमे की, तो आप इसको डबल कर दो। तो वो कन्विंस ही लग रही थी बातचीत के दौरान, और 50,000 रुपया है उसको 1,00,000 कर दो या दोनों का आप इकट्ठा कर दो। एक्सीडेंट क्लेम में आपने 2,00,000 किया है मैडम, तो आप 2,00,000 के बजाय आप इसको ज़्यादा कर दो। 2,00,000 का कोई औचित्य नहीं है, हर रोज कोई एक्सीडेंट से मरता भी नहीं है। तो फिर इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने उस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया विधायक महोदय ने, और हमने जो उनसे अपील की कि आप बात हम इनसे कर रहे हैं, आप इनसे करने के लिए आए, आपसे बात होती रहती है, वो इस बात से और खींच गए। और तो हमें चाहते हैं कि हमारा नंबर एक पॉइंट कि उन्होंने हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिलाया, नंबर दो उनका एक क्षेत्राधिकार से बाहर की बात थी, जब एक डेलीगेशन मंत्री से बात कर रहा है उसको चुप रहना चाहिए था, और अगर वो सच्चे जनप्रतिनिधि है तो उनको ये कहना चाहिए था कि मैंने भी इनका ज्ञापन लिया था, और मंत्री महोदय जी ये मेरे जिला की बहनें हैं, अगर कुछ हो सकता है
तो इनकी मांगों के ऊपर आप विचार करो। उनका बेटा यहाँ ज्ञापन लेने के लिए आया था और उसने ये कहा था, पापा जी ने ये कहा है कि आपकी मांगों की मैं पैरवी करूंगा, परंतु ये पैरवी करी, वहाँ वो उल्टा बोल रहे हैं। मंत्री महोदय उल्टा नहीं बोल रही है, वो उल्टा कहते हैं ये मिल चुके हैं, इनका हो लिया, ये कहकर हमको रोष है। तमाम आंगनबाड़ी के अंदर दुख है हमको। आज उनके जो उन्होंने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर और एक जनप्रतिनिधि का अपना जो होना चाहिए था उससे बाहर जा करके हम चाहते हैं कि सरकार से हमसे बात करे। और ये जो MLA साहब है ये अपने आचरण के प्रति उनका गणतंत्र में विश्वास नहीं है। गणतंत्र तो जनता का तंत्र, जनता का दिन है। हम की हमारी बात सुननी चाहिए थी, उसको चुप रहना चाहिए था। अगर सपोर्ट भी नहीं करते हम उसका बाइकॉट जारी रखेंगे। और गांव-गांव में हमने पर्चे छपवा दिए, पर्चे आपको दिखाता हूं, हम गांव-गांव में हजारों पर्चे बांटेंगे और हम बाइकॉट जारी रखेंगे।